Hello everyone. Good evening, Jasmine, Munna, Karan. I saw even Manya over there, Avi, Geeta, Gargi. Good evening everyone. Good evening. Dhruv, how are you all? रिवाइज करके आप आए हैं यहाँ पे. ऋषि गुड इवनिंग. ओके गुड इवनिंग एवरीवन ओवर हियर. बहुत जल्द. ओके मान्या यस यहाँ पे बात हो रही है. सौम्या भी आ गई हैं. ओके गुड इवनिंग सौम्या. आई होप आप लोग रिवाइज करके आए हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कीर्ति हेलो. दीपांशु ध्रुव शक्ति हेलो एवरीवन. आज हम लोग रिवाइज करेंगे थोड़े से फास्ट रेट पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट वन. हमारे पास आज का दिन है और कल का दिन है जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स भी करना है. सो आई विल गो लिटिल बिट एट फास्टर रेट. यस लेट्स स्टार्ट सृष्टि. सो वी आर to remind you, the one who are the new on this, जिनको पता नहीं है, please e-career point app को download करिए Google Play Store से और वहाँ पे ये सारी चीजें आपको available हो जाएंगे. You can attend the class from that Google app as well as from YouTube channel. और इसके अलावा जब आप वहां पे जाएंगे courses section में और click करेंगे तो वहां होगा NTSC का crash course जहां पे आपको concepts हम जो पढ़ाते हैं उसकी PDFs available हो जाएंगी. और अगर आप test series avail करना चाहते हैं so you can avail it with a very minimum cost that is 299. आप ये भी avail कर सकते हैं. Right. अब हम चलते हैं. ये जरूर करिएगा, इसको भूलिएगा मत. ये मैं रोज रिमाइंड करा रही हूं आपको. लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए. हमारा ई करियर पॉइंट का यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. राइट. लिटिल फास्ट नॉट फास्ट. ओके राघव फास्ट लेकिन पढ़ के आना पड़ेगा. राइट आपको पढ़ के आना पड़ेगा. आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में दो पार्ट्स हैं. हम जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं इन द बॉडी व्हाट एवर द एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस इट इज टेकिंग प्लेस इन अ कंट्रोल्ड मैनर इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. यही चीज हम प्लांट में भी पढ़ेंगे, यही चीज हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे. लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. और जो बचेगा हमारे प्लांट्स का सेक्शन उसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे. सो आर यू रेडी? Yes, you have done plant. So plant we will do tomorrow, so that we can compare, do the question answers as well. तो कल हम plant को ले लेंगे और जो हमारे previous years के questions है वो कर लेंगे इस chapter से हर state का. और आज हम करने वाले हैं nervous system और endocrine system जो कि human beings में. I hope it is fine with you all. So हम जो control and coordination आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं nervous system का. So we will begin with nervous system and we will end up with endocrine system. तो ये ध्यान में रखिए हम ये दो चीज रिवाइज कर रहे हैं. अब यहां पर जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा आपको पता है वो आंसर, तो आप फटाफट से मेरे साथ साथ वो आंसर्स टाइप करते हुए चलें, ठीक है? मुझे पता है आपको न्यूरॉन्स पता है, मैं न्यूरॉन्स स्टार्ट करूं. आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन्स के नाम, तो आप वो लेते चलिएगा मेरे साथ साथ ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और मैं आपको सारा का सारा रिवाइज करा दूं. तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम. और ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये हमारी सारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जिसकी वजह से हमारे हर ऑर्गन्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रहकर काम करते हैं. राइट. सो यस आई हैव सीन मेनी ऑफ यू ज्वाइनिंग. सो वी आर जस्ट बिगनिंग विथ नर्वस सिस्टम. हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो दो में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यस मान्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जबकि यहां पे अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, इट इंक्लूड्स द नर्व्स विच इज अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन विच इज अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड रीचिंग टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी.
ठीक है. सो यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए. निखिल हम एनटीएससी के बारे में एक अलग से क्लास ले लेंगे सो दैट वी कैन डिस्कस इट देयर. बहुत सारे टॉपिक्स को हमें आज डील करना है. राइट. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ आर बॉडी. Brain is present inside the cranium, yani ki skull. And then we have spinal cord, which is protected by the vertebral column. Aur agar yes, encephalon is the other name for brain. Yes, aur ye brain aur spinal cord central part mein present hai. अब इनमें से जो नर्व्स निकलती हैं, सो हियर वी हैव द सेट ऑफ नर्व्स अराइजिंग विच इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यहां पे ये जो नर्व्स अराइज होती हैं ब्रेन में, जो भी थॉट प्रोसेस होते हैं, जो भी थिंकिंग पार्ट होती है, उनको जब वर्क ऑन करना हो तो नर्व्स आर सेंडिंग द मैसेजेस टू द इफेक्टर ऑर्गन्स. ग्लैंड्स हुई, मसल्स हुई. तो यहां पे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें वॉलेंट्री एक्टिविटीज भी हो रही हैं और यहां पे बहुत सारे नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी. यहां पर आपको यह बताना है, आपको किसको याद है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ cranial nerves are arising from the brain. किसी को याद है how many pairs are arising from the brain and known as cranial nerves? How many pairs of spinal nerves are arising from the spinal cord? यहां पे हम आ जाते हैं number पे. राइट. ये नंबर जरूर याद रखिएगा. हम एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न अगर करें तो इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन. 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, यहां पे 12 सही है लेकिन पेयर्स को जरूर याद रखिएगा. यस. And they are helping in coordinating all the activities of our body. लेकिन voluntary activity के साथ साथ peripheral nervous system के अंदर एक और system है जिसको हम कहते हैं autonomous nervous system. This is a part of peripheral nervous system. और इस autonomous nervous system में जो nerves हैं, they are related with the इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज. यहां पे जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, दे वर्क इनवॉलेंट्रीली, मींस दे आर नॉट वर्किंग एट आर ओन विल. और ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो इन ऑर्गन्स में देखा जाता है, एंड देयर व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, हियर वी हैव अ सिस्टम नोन एज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, नॉट अंडर द कंट्रोल. यस मान्या. ठीक है, अब इसमें भी दो सेट ऑफ नर्व्स हो गए. यहां पे भी दो सेट ऑफ नर्व्स हो गए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक. हमें नाम लर्न कर लेना है और शॉर्ट शॉर्ट में इनके मीनिंग समझ लेने की ये किस काम आते हैं. अगर हमें जैसे देवेश ने लिखा, हमें फाइट करनी है, फ्लाइट करनी है, हमें ब्रीदिंग की रेट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट की रेट बढ़ जाएगी, ये कौन करेगा? ये करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. लेकिन जब हमारी बॉडी काम हो जाएगी, हमारे ब्रीदिंग रेट को कम करना है, हार्ट बीट रेट को कम करना है, तब काम आएगा पैरासिंपैथेटिक. यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं. सो यहां पे एक एग्रीवेट करेगा एक्टिविटी, दूसरा उसको काम डाउन करेगा. यस. एंड दे दिस वे मेंटेन्स द होम्योस्टासिस, यानी कि इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ आर बॉडी. वेरी गुड. यस करेक्ट. यहां तक हमें समझ में आ गया. दिस वॉज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यस, दीज टू आर एंटागोनिस्ट, यानी कि ऑपोजिट वर्क करते हैं. राइट, वेरी गुड. अब हम आते हैं जो मेन है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि पूरी नर्वस टिश्यू किससे बनी है. द स्ट्रक्चरल यूनिट जो है यहां पर वो है न्यूरॉन्स.
सुन रखा है आप लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, बहुत सिंपल है हमारा ये न्यूरॉन, ठीक है। यहां पे न्यूरॉन्स जो हैं वो इंपल्स को ट्रैवल करेंगे, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें ब्रेन से ऑर्गन्स तक पहुंचानी है या सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचानी है वो कौन करेगा, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। और न्यूरॉन के अंदर मैसेज किस फॉर्म में ट्रैवल होंगे, दे विल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इंपल्सेस, इंपल्सेस के फॉर्म में वो ट्रैवल होते हैं। अब हम देखेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को, फटाफट से बता दीजिए क्या क्या पार्ट्स हैं न्यूरॉन के अंदर, क्या क्या पार्ट्स हैं, बहुत इजी है ये तो आप फटाफट से बता देंगे। हम यहां पे जो बीच का मेन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, और उसके अंदर से एक लॉन्ग प्रोसेस निकलती है सिंगल, उसको क्या कहते हैं, और जो छोटे छोटे प्रोसेसेस निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं। सो वी आर कमिंग टू दैट पार्ट एंड वी आर कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यस, साइटन हो गया करेक्ट, एक्सन हो गया करेक्ट, डेंड्राइट हो गया करेक्ट। तो बहुत अच्छा रिविजन चल रहा है, आप लोगों को काफी कुछ याद है, सब कुछ याद है, वेरी गुड। द मिडल पार्ट, the one which contains nucleus, यहाँ पे नीजल ग्रैन्यूल्स है which is a collection of ribosomes, यहाँ पे ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म है, this portion is known as either cell body या cytin, very good। और इसमें से जो छोटी प्रोसेसेस निकल रही हैं वो हो गई हमारी डेंड्राइट, यू कैन सी द डेंड्राइट ओवर हियर, और एक सिंगल लॉन्ग निकल रहा है, दिस इज नोन एज एक्सन। एक्सन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एक्सोनिमा, ठीक है। तो अब हम आते हैं डेंड्राइट्स पे, डेंड्राइट्स जो छोटी छोटी प्रोसेसेस साइटन में से निकल रही हैं, साइटन में जो डेंड्राइट्स और एक्सन है इनका फंक्शन क्या है, डेंड्राइट हेल्प्स इन रिसीविंग द इंपल्स, दूसरे न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंपल्स को डेंड्राइट कलेक्ट करता है, उसको साइटन की तरफ भेजता है और उसके बाद वो चला जाता है एक्सन के पास, यानी कि एक्सन गिव्स अवे द इंपल्स, डेंड्राइट कलेक्ट्स द इंपल्स। तो ये इनके फंक्शन हो गए। अब हम आते हैं, यस वेरी इजी, तभी तो वेरी इजी, एंड एनटीएससी इज ऑल्सो वेरी इजी, कल क्वेश्चंस देखे थे, कल फिर आप क्वेश्चंस देखेंगे, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल है, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते थे लेकिन जरूरी नहीं है हमें। यहां पे अब हम आते हैं एक्सन के स्ट्रक्चर पे, एक्सन में यहां पे इस तरह से आप देखेंगे, यहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्सन की उसको तो हम एक्सोलेम्मा कहते हैं, और आप बाहर से ये देख सकते हैं यहां पे एक शीथ प्रेजेंट है, दिस इज अ शीथ नोन एज माइलिन शीथ, मेड्यूलरी शीथ, और ये शीथ बना रहा है ये श्वान सेल्स, सो दिस श्वान सेल्स आर हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, बहुत सही है। अब यहां पे ये जो माइलिन शीथ है ये कुछ न्यूरॉन्स में प्रेजेंट भी हो सकती है, कुछ में ये एब्सेंट भी हो सकती है, तो जिसमें ये प्रेजेंट होगी उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। सो एक्सोलेम्मा मैंने आपको समझा दिया, मेड्यूलरी शीथ बता दी, अब जो माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है उनको हम नॉन माइलिनेटेड बोलेंगे, और जिसमें प्रेजेंट है उन नर्व्स को हम माइलिनेटेड फाइबर्स बोलेंगे। तो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। आर यू ऑल गेटिंग इट? यस, इट इज फैटी इन नेचर, ये फैट्स की होती है, इंसुलेशन का काम करती है, तो इसलिए अगर हम इंपल्स का ट्रैवल को कंपेयर करें तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में इंपल्स फास्टर रेट में ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो माइलिन शीथ है वो कंटिन्यूअस नहीं है, और उसमें यहां पे जगह जगह में देयर आर द इंटरवल्स एंड इट इज ब्रेकिंग, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोड एज नोड्स ऑफ रैनवेयर, ठीक है। हम इसी स्पीड पे चलने वाले हैं आज, ठीक है। नोड्स ऑफ रैनवेयर, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, माइलिन शीथ पे क्वेश्चन आ जाता है, इनको याद रखिए, डेंड्राइट्स और एक्सन पे क्वेश्चन आ जाता है। सो हियर
जब दो न्यूरॉन मीट करें उस जंक्शन को हम कहते हैं साइनैप्स. सो यू कैन सी अ न्यूरॉन कोऑर्डिनेटिंग विद अदर ग्लैंड्स, मसल्स और अदर न्यूरॉन, तो यहां पे साइनैप्स क्रिएट हो जाता है. और जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमें इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है तो इट इज डन विद अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स. इतना याद करना है हमें. यस, साइनैप्स, नोड ऑफ रेनवेयर, वेरी वेल डन. ठीक है, मेड्यूलरी शीथ इज अ शीथ सिक्रेटेड प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल और वो पूरे एक्सन के लेयर के बाहर होती है, उसको हम माइलिन शीथ कहते हैं. राइट और यहां पे यस, जो एक्सन का टर्मिनल है उसको सिनाप्टिक नॉब कहते हैं और वो एक्सन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास होती है. इस जंक्शन को हम सिनाप्स कहते हैं और यहाँ पे केमिकल के थ्रू इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, केमिकल इंपल्स, और इस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर. अब हम आ जाते हैं फटाफट से ब्रेन पे. न्यूरॉन हमारा पूरा क्लियर हो गया, जो स्पेस है हम उसको सिनाप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. राइट, अब हमारे ब्रेन है यहां पे, ये जो ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, और यहां पे अब हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं. और यहां पे ब्रेन के बाहर की तरफ कुछ प्रोटेक्टेड लेयरिंग होती है जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस. अब ये मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड में भी होगी, ये मेनिंजेस ब्रेन के ऊपर भी होगी, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. अब आपको लेयर याद रखनी है, बाहर से अंदर तक. बाहर वाली होती है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट नियर टू द स्कल, उसके बाद होता है एरेक्नॉइड मैटर, और इनर मोस्ट होती है जो सेरिब्रम के पास, सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो सेरिब्रम के पास होती है उसको कहते हैं पिया मैटर. नाम लर्न कर लीजिए, नाम लर्न कर लीजिए. राइट, और इनके अंदर एक फ्लूइड फ्लो होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. यहां पे मेनली ये फ्लूइड अरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में फ्लोट होता है और इसका काम है यहां पे टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द इनर कंटेंट ऑफ द ब्रेन. स्पाइनल, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है, ब्रेन में भी जाता है. यस, वेरी गुड. यहां पे रिपीट की गुंजाइश नहीं है, हमें थोड़ा सा फास्ट चलना है, इट्स अ रिविजन क्लास. आई एम सॉरी, मैं लास्ट में सुशील रिपीट कर दूंगी. मेनिंजेस, तीन लेयर्स हैं, बाहर की लेयर है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर, और ये तीनों लेयर्स ब्रेन के इनर कंटेंट को प्रोटेक्ट करती हैं. इसमें एक फ्लूइड फ्लो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है. ठीक है, ये मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड में भी होगी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी स्पाइनल कॉर्ड में होगा. अब हम आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं. हम आने वाले हैं ब्रेन के पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. ये जो फोर ब्रेन पूरा सामने का पोर्शन है, ये पूरा फोर ब्रेन, जो मिडिल के पोर्शन में थोड़ा सा है वो मिड ब्रेन, और जो पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है जो, उसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन. तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, रिफ्लेक्स एक्शन हम टुवर्ड्स द एंड लेंगे. वंस आई एक्सप्लेन द ब्रेन देन आई विल टेक अप द रिफ्लेक्स एक्शन. राइट, ब्रेन, यस ऋषि, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, ध्यान से सुनिए, एक एक करके मैं एक एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन रिपीट का थोड़ी सी गुंजाइश कम है. ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये फर्स्ट पार्ट है. सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. यहां पे कंफ्यूजन होता है, हम आगे जाके एक और वर्ड सुनेंगे, सेरिबेलम, वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है. यहां पे स्पेलिंग को ध्यान में रख लीजिए, इट इज सेरिब्रम. राइट, और उसके बाद है डायनसिफेलन. एक एक करके हम तीनों को पढ़ने वाले हैं. सो ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसिफेलन. यस नेहा, अब हम आते हैं ऑप्टिक लोब, जो आप बोल रहे हैं वो मिड ब्रेन का पार्ट होगा, हम उसको वहां पे पढ़ेंगे.
अगर हम ऑल्फैक्टरी लोब्स की बात करें, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेरिब्रम पार्ट. तो ये हमारा सेरिब्रम है, उसके नीचे आप यहाँ पे ये पोर्शन को देख सकते हैं. दिस इज एन ऑल्फैक्टरी लोब्स, दो छोटे छोटे लोब्स हैं एंड दे आर नियर टू द नोज एंड इट इज कैरिंग द इम्पल्स फ्रॉम द नोज. जो स्मेल आप करते हैं वो यहां से ट्रांसमिट होके हमारे सेरिब्रम पार्ट में जाती है जहां पे उसका डिटेक्शन होता है. सो इट इज रिलेटेड विथ, राइट? ओके, थैंक यू तिशा. ओके, सो हियर इट इज रिलेटेड विद द स्मेल एंड इट रिलेज द स्मेल टू द सेरिब्रम पार्ट. आप सबसे ज्यादा ध्यान देना है किस पे? सेरिब्रम पे, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. बड़ा ब्रेन है, ऊपर से देखा जाए तो ये डिवाइडेड है दो हेमिस्फीयर में, लेफ्ट एंड राइट. तो यहां आप देख सकते हैं हेमिस्फीयर में ये डिवाइडेड है और इसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं. सो दे आर नोन एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर. और नीचे से ये दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड है बाय अ फाइबर ट्रैक्ट विच इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम. आपको दिख रहा होगा इससे ये दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड है और इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन हो जाता है. यस राहुल, हेलो हेलो हियर. आई एम स्टार्टेड विद द ब्रेन. यस नवदीप, आई हैव टेकन योर नेम. सो कीप आंसरिंग, कीप आंसरिंग. सुशील, व्हाट हैपेंड? यस, सो यहां पे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम. अगर हम ब्रेन के अंदर के मैटर को देखें तो यहां पे दो मैटर आते हैं, एक है ग्रे मैटर और एक है व्हाइट मैटर. बाहर की तरफ होगा ग्रे मैटर, यहां पे साइटन पार्ट ज्यादा है, और अंदर की तरफ होगा व्हाइट मैटर, यहां पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का ज्यादा पार्ट है. राइट मानिया. सो यहां पे एक चीज, मैंने ये चीज क्यों बोली, यहां पे ग्रे मैटर बाहर की तरफ है, व्हाइट अंदर की तरफ है. जब हम स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे तो उसमें ये चीज रिवर्स हो जाएगी. स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर की तरफ होगा और बाहर की तरफ होगा व्हाइट मैटर. ये एक डिफरेंस है बिटवीन आर ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. यहां पे अब ये इसके बाद अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम. Parts of cerebrum. Okay, you have entered that question mark. Okay, by mistake, no problem. Yes. अब हम आ गए. Cerebrum इतना बड़ा part है और इसको further चार lobes में divide किया गया है. Front का frontal, बीच का parietal, पीछे का occipital और side का temporal. जैसे यहां पे देख लीजिए, front frontal, बीच का पेराइटल, पीछे का ऑसिपिटल एंड यू हैव टेम्पोरल ऑन द साइड्स. यहां पे आपको क्लियर विजिबल फ्रंट फ्रंटल, ठीक है. यहां पे नी साइड में हो गया टेम्पोरल, यहां पे पीछे की तरफ हो गया ऑसिपिटल और बीच में हो गया पेराइटल. पोजीशन समझ में आ गई. अब हम फंक्शन देख लेते हैं, यहां पे अब फंक्शन देख लेते हैं. ओके, हाँ, ये साइकस और गायरस इज द फोल्डिंग नोन, ठीक है, वो थोड़ा सा हायर लेवल में है. यहां पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज इन फोर. अब ये फ्रंटल का क्या फंक्शन है? ऑल द मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्रंटल लोब. हम जो मस्कुलर वॉलेंट्री एक्टिविटीज कर रहे हैं ये सब कोऑर्डिनेट होती है फ्रंटल लोब से. अब बचा पेराइटल. पेराइटल इज नियर टू द माउथ. यहां पे जो टेस्ट है, हमें जो फूड का टेस्ट आ रहा है, इट इज ड्यू टू पेराइटल लोब. और यहां पे थोड़ी बहुत स्पीच के साथ भी, विथ ओवरलैपिंग विथ टेम्पोरल, स्पीच का भी काम हो रहा है. टच एंड पेन विच यू फील इज अगेन फेल्ट बाय पेराइटल लोब. ऑसिपिटल हमारे विजन से ध्यान रखती है, जो भी हम इमेज देख रहे हैं, जो भी है, एवरीथिंग, व्हाट एवर वी आर सीइंग, जो विजुअल रिसेप्शन है वो हो रहा है हमारा ऑसिपिटल से. और जो टेम्पोरल है, ईयर के पास है, ईयर के पास है, तो ऑडिटरी फंक्शन हो गई. तो इजिली आप रिमेंबर कर सकते हैं, हम जो साउंड सुनते हैं, हम जो रिकॉग्नाइज करते हैं, ये मेरे फ्रेंड की वॉइस है, ये मेरे इसकी वॉइस, यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज, इट इज ड्यू टू टेम्पोरल लोब. राइट, क्लियर हुआ?
यस, जो हमारे इंटेलिजेंस है, मेमोरी, एवरीथिंग इज ड्यू टू द फ्रंटल लोब. यस, अर्पिता इज हियर एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल नाउ व्हाट एवर आई हैव एक्सप्लेन. ये जरूर याद रखिएगा, ब्रेन सबसे ज्यादा, ये मैं आपको दिखा चुकी हूं पोजिशन, राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं डाइनसेफेलन, विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. ऑल्फैक्टरी लोब्स हो चुका, सेरिब्रम हो चुका, अब हम आ चुके हैं डाइनसेफेलन में. डाइनसेफेलन को आप एक रूम की तरह इमेजिन कर सकते हैं, इट्स अ रूम लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन इमेजिन इट इन दैट वे. और जो साइड की लैटरल वॉल्स हो गई, वो हो गई थैलेमस, उनको हम कहते हैं थैलेमस. सो हियर दिस आर द लैटरल वॉल्स और इनको हम थैलेमस कहते हैं. जो नीचे की तरफ फ्लोर है, जो नीचे की तरफ थोड़ी सी टिल्टेड फ्लोर है, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस. बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाइपोथैलेमस. और ऊपर की ये जो पोर्शन बचा, इसको हम कहते हैं एपिथैलेमस. एपिथैलेमस यानी कि रूफ क्या हो गई, एपिथैलेमस. साइड के जो लैटरल वॉल्स क्या हो गए, थैलेमस. और जो बॉटम का फ्लोर हो गया, वो हो गया हाइपोथैलेमस, राइट. अब यहां पे जो थैलेमस है, इसका काम है जो भी इंफॉर्मेशन नीचे से आए उसको ऊपर सेरिब्रम की तरफ कोऑर्डिनेट कर दे, रिले कर दे. अब यहां पे हमें ग्लैंड पड़ेंगे, पीनियल ग्लैंड, वो कनेक्टेड होती है हमारी इस एपिथैलेमस के साथ. यहां पे एक पीनियल ग्लैंड होगी जो हम एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड के लिए. और एक और ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस के पास. कौन सी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस के पास, फटाफट से बता दीजिए. द मास्टर ग्लैंड, विच ग्लैंड इज प्रेजेंट नियर टू द हाइपोथैलेमस. तब तक मैं हाइपोथैलेमस का फंक्शन बता देती हूं, आप लोग फटाफट से आंसर करिए. कौन सी ग्लैंड है विच इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ, यस अनुराग, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट नियर टू द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के दो काम हो गए, एक ये तो कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को, हंगर, थर्स्ट, ऑल दिस इज बीन कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस. जो हमारी अंदर की इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, वो थर्मोरेगुलेशन भी यही करता है. लेकिन इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस का रोल होगा एंडोक्राइन सिस्टम में भी. सो वी विल कम बैक टू दिस हाइपोथैलेमस इन द केस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है, तो उसका वहां पे भी एक रोल होगा, ठीक है. सो अभी हम इसका नर्वस पार्ट पढ़ चुके हैं. सो कीप रिमेम्बरिंग दिस हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, हम इन दोनों में आएंगे एंडोक्राइन सिस्टम में. अब हम आ गए हमारे बहुत छोटे से पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि है मिड ब्रेन. आप में से एक बच्चे ने, ये स्टूडेंट ने लिखा था ऑप्टिक लोब्स, हम आ गए उस पे. यहां पे दो पार्ट्स होंगे मिड ब्रेन के, एक तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, दो फाइबर लाइक ट्रैक्स होंगे जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है. क्रूसे सेरेबी भी बोलेंगे और सेरिब्रल पेडंकल भी बोलेंगे. इन फाइबर ट्रैक्स का क्या काम है, जो भी हाइंड ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको फोर ब्रेन तक रिले करेंगे, सेरिब्रम तक पहुंचाएंगे. तो ये इनका काम है, कनेक्टिंग द हाइंड ब्रेन टू द फोर ब्रेन. अब बचा हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. अब ये क्या है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्री मींस फोर. यहां पे फोर छोटे छोटे लोब्स हैं, आपने ऑप्टिक लोब सुना है. सो हियर दे हैव फोर ऑप्टिक लोब्स टुगेदर नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. ऊपर के जो दो लोब्स होंगे वो आई के मूवमेंट्स यानी कि विजुअल पार्ट से कनेक्टेड होंगे, और नीचे के दो जो लोब होंगे वो कनेक्टेड होंगे, रिलेटेड होंगे हमारे हियरिंग रेस्पॉन्सेस से. तो यहां पे चार लोब्स हैं और चार की वजह से नाम पड़ गया क्वाड्री. सो इट इज क्वाड्री जेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, राइट. मिड ब्रेन से अब यस, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना हैज फोर ऑप्टिक लोब्स, तो उनको टुगेदर हम कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. वेरी गुड ऋषि, तो बहुत आगे आगे चल रहे हैं, वेरी गुड. मेरा तो फटाफट से आज लेक्चर टाइम पे खत्म होने वाला है. सो यस, हाइंड ब्रेन पे आ गए, सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा,
करेक्ट. थर्ड यहाँ पे अब जो हम सेरिबेलम है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम के बाद सेरिबेलम. और सबसे कॉमन मिस्टेक सेरिब्रम और सेरिब्रम में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लार्जेस्ट पार्ट में सेरिब्रम को टिक करूं कि सेरिबेलम को टिक करूं. स्पेलिंग पे ध्यान दें, बेलम और ब्रम, राइट. यस, यहां पे अब सेरिबेलम इज कोऑर्डिनेटिंग द बॉडी पॉस्चर. हम जब भी कोई वॉलेंट्री एक्टिविटी, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, मैं यहां खड़ी हूं, सो मेरी जो बॉडी की मूवमेंट का बैलेंस है वो कौन मेंटेन करेगा? सेरिबेलम. इट विल बी मेंटेनिंग हियर द बॉडी पॉस्चर. और अगर इसको कुछ डैमेज होता है, सो हियर आवर बैलेंस विल बी डिस्टॉर्टेड, द पर्सन विल नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, बॉडी बैलेंस में नहीं होगी. अब हम आते हैं पॉन्स में. यहां पर यह पोर्शन हमारा हो गया सेरिबेलम, ये हमारा पूरा है सेरिब्रम, ये हमारा हो गया डायन्सिफेलन, ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये वाली चीजें तो हमने देख ली. अब यहां पे ये सेरिबेलम हो गया, ये पोर्शन हमारा पॉन्स हो गया, और नीचे का जो पोर्शन हो गया मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हो गया, जो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाएगा. अब ये जो सेरिबेलम है, पोजीशन मैंने बता दी, ये जो पॉन्स है, पॉन्स का एक काम है रिले द इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके अलावा इट टेक्स अ पार्ट इन रेस्पिरेशन आल्सो. पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा मिलके रेस्पिरेशन रेट पे यहां पे काम करते हैं, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारे हार्ट बीट को भी कंट्रोल करते हैं. सो हियर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, द रेट ऑफ ब्रीदिंग, द हार्ट बीट रेट इज बीन कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. अब यहां पे यस रेस्पिरेशन प्रोसेस, वेरी गुड. अब यहां पे मेड्यूला एक और काम करता है, हमारे अंदर जितने भी इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस होते हैं, स्नीजिंग, कॉफिंग, सलाइवेशन, ये सारी चीजें, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें होती हैं कंट्रोल्ड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से. तो इस पे जस्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द सलाइवेशन, स्नीजिंग, कफिंग एक्सेट्रा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी पॉस्चर. वेरी कॉमन क्वेश्चन बीन आस्क्ड इन द एनटीएससी. तो हमें बस पार्ट्स के नाम याद रखने हैं और उनके साथ उनका फंक्शन. अब हम आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में. यहां स्पाइनल कॉर्ड में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, मेनिंजेस भी होंगे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी होगा, और यहां पे हम यहां पे होगा ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया. सेंटर में है सेंट्रल कैनाल, जिसके थ्रू सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स भी देगा, वेस्ट मटेरियल भी हटाएगा, और प्रोटेक्टिव तो है ही सही. यहां पे अब उल्टा हो चुका, जैसे मैंने बताया था, दिस इज द ग्रे मैटर इनसाइड, ये एच शेप में, बटरफ्लाई शेप में जो है, ये है ग्रे मैटर अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या मैटर आ गया, व्हाइट मैटर. तो ये जरूर याद रखिएगा, दिस इज द डिफरेंट कंडीशन एज कंपेयर टू द ब्रेन, ठीक है. अब हम यहां पे आ गए सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स में हमें जो मेन ध्यान देना है वो रिसेप्टर्स पे ध्यान देना है. आईज में फोटो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स, कान में फोनो रिसेप्टर्स हैं. टेस्ट जो हम करते हैं, गैस्टेटरी यहां पे टंग के ऊपर है, तो गैस्टेटरी टेस्ट. स्किन में है टैंगो, जो हम फील करते हैं, दैट इज द वन. और जो स्मेल करते हैं, नोज में है ऑल्फैक्टरी. नाम जरूर याद कर लीजिएगा, फोटो, फेनो, गैस्टेटरी, टैंगो एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. तो इनकी वजह से हम जो सेंसेस लेते हैं वो इनकी वजह से लेते हैं, राइट. अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में. रिफ्लेक्स एक्शन इज अ प्रोटेक्टिव एक्शन, और ये हमें बचाता है किसी भी तरीके की कोई इंसिडेंस हो जाए उससे. इट इज इनवॉलेंट्री, ये एक इनवॉलेंट्री सडन एक्शन है. आप चलते चलते कांटे पे पांव रख दिया, यू हैव केप्ट योर फुट ऑन द थॉर्न, यू लिफ्ट बैक, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है. सो यहां पे रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से काम करता है, अगर आपको यहां पे सडनली कोई, आपने गर्म पानी का बकेट रखा है या मारा जाए या कुछ, आप अपना पांव हटा लेते हैं, हाथ हटा लेते हैं, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है.
राइट यहां पे कैसे काम हो रहा है, सेंस ऑर्गन्स ने रिसीव किया इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है स्टिमुलाई जो आपको हेल्प करता है रिसीविंग द इंपल्स. अब यहां पे किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ऑर्गन ने, और रिसेप्टर ऑर्गन ने इंफॉर्मेशन दी, यहां पे इंफॉर्मेशन दी सेंसरी नर्व से. सेंसरी नर्व टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स और वो पहुंच गया स्पाइनल कॉर्ड में. अब इतना वक्त नहीं है कि ब्रेन तक डिसीजन हो, तो यहीं के यहीं इंफॉर्मेशन ट्रैवल वापस हो जाती है इफेक्टर ऑर्गन में और सिर्फ इंफॉर्मेशन भेज दिया जाता है ब्रेन में. अब यहां से ही डाइवर्ट हो गया इंफॉर्मेशन और यहां मोटर नर्व के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन पे आ गया यानी कि मसल्स में. एंड यू लिफ्ट बैक योर लेग्स, यू लिफ्ट बैक योर हैंड. तो ये जो पाथवे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंसरी नर्व्स टू द कनेक्टिव नर्व टू द मोटर नर्व टिल द इफेक्टर इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क. यहां पे आप देख सकते हैं इफेक्टर से मैसेज गया, यहां से सेंसरी नर्व से कोऑर्डिनेट होके यहां पे स्पाइनल कॉर्ड से ही डाइवर्ट हो गया एंड इट इज कमिंग बैक टू द मसल्स. तो ये पाथवे को हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क. और इस एक्शन को हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन. ये प्रोटेक्टिव है हमारे लिए. राइट यस आयुष क्या हो गया, कोई बात नहीं, एवरी डे एट 5 o'clock आई एम हियर, सो बी हियर एट 5 टुमारो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. यहां पे सब आ चुके हैं, ठीक है. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद एंडोक्राइन. यहां पे फटाफट से आंसर दीजिएगा, हॉर्मोन्स के नाम फटाफट से बताइएगा. एंडोक्राइन सिस्टम, यहां पे ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, यहां पे दे डू नॉट हैव डक्ट्स, दे आर डक्टलेस एंड दे पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ब्लड के अंदर अपना सिक्रेशन डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पे अब इट टेक्स प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स राघव, राइट. और यहां पे इन सिक्रेशन को हम कहते हैं हॉर्मोन्स. और हम यहां बहुत सारे ग्लैंड्स को फटाफट से पढ़ने वाले हैं, सो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा आ जाते हैं पिट्यूटरी में. एंड दिस इज अ चार्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल वन बाय वन, फटाफट से, फटाफट से हमें करना है. सबसे पहले मैंने ये कहा था आपसे, पिट्यूटरी से पहले मैं आऊंगी हाइपोथैलेमस में. हाइपोथैलेमस में नर्वस के अलावा कुछ सिक्रेशन होती है और वो सिक्रेशन कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिविटी को. तो पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगी और खुद पिट्यूटरी ग्लैंड किससे कंट्रोल हो रही है, हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस का पोजीशन मैं डायन्सेफेलन में दिखा चुकी हूं आपको. सो इट इज रेगुलेटिंग द सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. दिस इज हाउ द हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी. तो आप यहां देख सकते हैं ये स्टॉक है जिससे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्टेड है और इस स्टॉक को हम कहते हैं यहां पे इन्फंडिबुलम, ठीक है. सो हियर पिट्यूटरी इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस. अब हम पिट्यूटरी के बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं उसको हम फटाफट से रिवाइज करते हैं. सी पिट्यूटरी में तीन दो पार्ट्स हैं. मेन पार्ट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर और एक बीच का पार्ट है जिसको हम मिडिल कहते हैं. सो पिट्यूटरी इज डिवाइडेड इनटू थ्री, एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर पार्ट. सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटीरियर पार्ट है वो पिट्यूटरी का, यहां पे वो सिक्स हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है. सो सिक्स हॉर्मोन्स को हम एक एक सिंपल लाइन में उनके फंक्शंस को देखेंगे और उसके बाद हम मिडिल में देखेंगे, मिडिल में सिर्फ एक हॉर्मोन, और फिर हम देखेंगे पोस्टीरियर में जिसमें दो हॉर्मोन, यानी कि टोटल 9 हॉर्मोन्स हमें पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड में. जैस्मिन Am I fast? You're not able to take it. You're not able to take it. ठीक है, अब स्लो डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा. पिट्यूटरी में जहां आपको आता है मैं वहां फास्ट कर लूंगी, जहां नहीं आता वहां स्लो डाउन कर लूंगी, ठीक है. ठीक है, ओके. सागर ऊपर से नहीं जाना है, हमें सेरिब्रम को यूज करना है और फटाफट से ग्रास्प करना है. मैंने ये आपको पहले ही कह दिया था, एक बार चैप्टर रिवाइज करके आइए, ये एक रिवीजन क्लास है,
यहां पे हम रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर इन शॉर्ट. तो यहां पे एक बार आप जरूर एक चैप्टर पढ़ के आइएगा और सो दैट जो थोड़ा बहुत बचता है दैट आई विल कवर अप. ठीक है, डीप में नहीं आता. मैंने आपको कल क्वेश्चंस दिखाए थे, कल फिर क्वेश्चंस लाऊंगी. ये डीप ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड वी आर स्टडिंग इन डीप. ठीक है, सारे 9 के 9 फंक्शंस आप पढ़ने वाले हैं. पिट्यूटरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपने लिख भी दिया था, ग्रोथ हार्मोन. व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन? इट हेल्प्स इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये तो आता है आपको. यस, वी आर ग्रोइंग टॉल, वी आर ग्रोइंग शॉर्ट इज ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन. अब अगर ये ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा? जाइजेंटिज्म. द पर्सन विल बी वेरी टॉल. और अगर ये कम प्रोड्यूस हो जाए तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म. इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है. यस मुस्कान, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ. कोई डिफिकल्टी आई इसमें? ये तो समझ में आ गया आपको. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. यस, वेरी इंस्टेंट आंसर्स आई एम गेटिंग टुडे. यस, जाइजेंटिज्म, ड्वार्फिज्म, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. हम प्रोलैक्टिन की बात करें, दिस इज द सेकेंड हॉर्मोन. प्रोलैक्टिन, कभी आप भूल जाएं तो ये याद रखिए, लैक्टिन, लैक्टोज. लैक्टोज किस में प्रेजेंट है? मिल्क में. यानी कि अगर फंक्शन के ऑप्शंस दिए जाएं और आप कहीं कंफ्यूज हो तो नाम से थोड़ा सा गेस कर लीजिएगा. इट इज एक्टिंग ऑन द मेमोरी ग्लैंड एल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द मदर हु विल बी फीडिंग इट टू द बेबी. सो यहां पे जो मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है प्रोलैक्टिन से. आई होप ये समझ में आ गया. यस अब यहां पे हम आते हैं TSH और ACTH में. इनमें इनका सिर्फ ये नाम है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. यानी कि ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा ताकि थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाए. तो इट इज कंट्रोलिंग द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड. सिंपल है, सिंपल है, राइट. अब यहां पे जो ACTH है ये है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. और यहां पे एड्रिनल ग्लैंड एक हम पढ़ने वाले हैं विच इज अनादर एंडोक्राइन ग्लैंड, और उसकी सिक्रेशन को वो कंट्रोल करता है. जब हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसमें भी दो पार्ट्स होंगे, कॉर्टेक्स और मेड्यूला. ठीक है, सो वहां पे ये जो कॉर्टिकल पार्ट है उसके सिक्रेशन को ये ACTH कंट्रोल करता है, राइट. तुषार, नीट हम कर सकते हैं. नीट में भी एक ही चीज जरूरी है, CBSE NCERT की एक एक लाइन को लर्न कर लीजिए. उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में. सो मैंने वो भी आपको एडवाइस कर दिया. ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. यस, अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. यहां पे ये काम करेंगे इन द केस ऑफ मेल्स. अगर हम LH की बात करते हैं तो उनमें एक हार्मोन सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन, और वो सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है LH. LH विल एक्टिवेट और स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन विच इज एन एंड्रोजन इन मेल. हम पहले मेल की स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद फीमेल में देखेंगे कि LH और FSH किस काम आ रहे हैं. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, अब FSH क्या काम करता है? जो स्पर्म की फॉर्मेशन है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें हेल्प करेगा FSH. तो LH पहले हेल्प करेगा एंड्रोजन बनाने में, टेस्टोस्टेरोन बनाने में, और फिर ये टेस्टोस्टेरोन और FSH मिलके बनाएंगे स्पर्म. सो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ FSH एंड द टेस्टोस्टेरोन विच इज एन एंड्रोजन. यस, ठीक है. अब हम, यस ऋषि, आपने पूरे लर्न भी कर लिए, वेरी गुड. एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वेरी वेल डन. अब हम आ जाते हैं यहां पे फीमेल्स में. जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो किस काम आ रहा है? यहां पे एक सेक्शन लिया है मैंने, दिस इज अ सेक्शन ऑफ ओवरी, और यहां पे वन ओवम इज रिलीज्ड इन वन मंथ, और उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं.
और जब ये ओवम डेवलप हो जाता है तो बाहर के पूरे स्ट्रक्चर को अलोंग विद द ओवम हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है ओवम और ये रिलीज होता है एंड इट इज टेकन अप बाय द फेलोपियन ट्यूब। ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे। तो यहां पे ये जो ओवम रिलीज होता है ये कौन हेल्प कर रहा है रिलीज करने में? LH। सो LH इज हेल्पिंग इन रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम दिस ग्राफियन फॉलिकल। ये पूरा बड़ा स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल है। अब जब ओवम रिलीज हो गया तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल का बाकी का पोर्शन बच गया ये भी यूजफुल है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस लूटियम में। और कॉर्पस लूटियम एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करेगा जो कि है प्रोजेस्टेरॉन। अगर आपने सुना है प्रोजेस्टेरॉन, यस सागर ने लिख दिया प्रोजेस्टेरॉन, तो यहां पे वो किसमें से सिक्रीट हो रहा है? कॉर्पस लूटियम से। ठीक है, सो LH का काम है कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करना और यहां पे ओवम के रिलीज के लिए। और FSH हमारा जो काम कर रहा है वो FSH है, ये जो ओवरी जो ओवम के डेवलपमेंट स्टेजेस हैं इसको डेवलप करने में ये FSH काम कर रहा है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स यानी कि ये जो फॉलिकल्स हैं आगे जाके ओवम में मैच्योर होंगे इनके डेवलपमेंट में काम कर रहा है। सो दिस इज द रोल ऑफ LH एंड FSH इन द केस ऑफ फीमेल्स। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में अभी हम आने वाले हैं। वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरॉन मैं ओवरी में बताने वाली हूं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द यूट्रस लाइनिंग सो दैट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सो दैट अ प्लासेंटा फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस एंड द एम्ब्रियो कैन गेट द न्यूट्रिशन। ठीक है, MSH में आ जाते हैं। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग यहां पे हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है मेलिनोसाइट्स में जिसमें मेलेनिन पिगमेंट होती है। तो हमारे जो स्किन की पिगमेंटेशन है इट इज बिकॉज ऑफ दिस। और जो हमारा नेक्स्ट बचा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन जो सिक्रीट हो रहे हैं, एक है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज हैविंग टू फंक्शन, एक जो मिल्क फॉर्मेशन हो गया उसके इजेक्शन में हेल्प कर रहा है, दैट इज वन रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। एंड द सेकेंड इज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ अ बेबी इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मेम्ब्रेन सो दैट द इजी बर्थ ऑफ द फीटस कैन टेक प्लेस। तो ड्यूरिंग दैट टाइम द ऑक्सीटोसिन इज हेल्पिंग इन द विग्रस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस सो दैट हियर द फीटस कैन बी एक्सपेल्ड आउट। दिस इज यस मेलेनिन की वजह से स्किन कलर का जो पिगमेंटेशन होता है। अब हम आ जाते हैं लास्ट वैसोप्रेसिन जो कि हमने कल पढ़ा था कि ADH जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं आपको याद होगा। ये DCT पे जाके यहां पे रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर में काम आता है। यस इट हेल्प्स ड्यूरिंग पाचुरेशन, आपने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, ADH का काम है वाटर का रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द DCT पार्ट सो दैट हियर द लॉस ऑफ वाटर विल नॉट टेक प्लेस फ्रॉम द बॉडी। ओके सो यहां पे अब चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं पीनियल ग्लैंड में। मैंने आपको पीनियल ग्लैंड बताया था कि कहां प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन द फोरब्रेन नियर टू द एपिथैलेमस। एपिथैलेमस मैंने बताया था वहां पे ये पीनियल ग्लैंड आप यहां देख सकते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन द डाइसेफेलन पार्ट। और यहां पे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो है मेलाटोनिन। हार्मोन के नाम याद रखिए, हर ग्लैंड के हार्मोन के नाम याद रखिए और उनके फंक्शन को। मेलेटोनिन हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आप रोज एक टाइम पे उठते हैं तो छुट्टी के दिन में भी आप उसी टाइम पे उठेंगे। यहां पे वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी का मेंटेन हो रहा है इट इज ड्यू टू द मेलेटोनिन। ये हमारी पूरी जो रिदमिक बॉडी के अंदर है, यस स्लीप अवेक साइकिल उसको ये कंट्रोल करता है मेलेटोनिन। और इसके अलावा जो हमारी यहाँ पे पिगमेंटेशन भी कंट्रोल हो रही है वो भी मेलेटोनिन से हो रही है। सो यहाँ पे MSH भी काम कर रहा है, मेलेटोनिन भी काम कर रहा है इन द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, राइट।
सो यहां पे हम आ गए अब नेक्स्ट ग्लैंड में. फटाफट से आंसर बताइएगा जब तक मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूं. थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? फटाफट से आंसर दीजिए जब तक मैं इस थायराइड ग्लैंड के बारे में बताती हूं. इट इज प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्राकिया. ट्राकिया हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लिया था, ठीक है. यस, समझ में आ रहा है? वेरी गुड. अब यहां पे ये दो लोब्ड स्ट्रक्चर है एंड इट इज जॉइंड बाय द इस्थमस और ये यहां प्रेजेंट होते हैं. वेरी गुड. थायरोक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, थायरोक्सिन. और हमारे अंदर की जितनी भी मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, और ये सारा कंट्रोल करता है थायरोक्सिन. थायरोक्सिन के अलावा एक और हार्मोन सिक्रीट होता है कैल्सीटोनिन. कैल्सीटोनिन, अब ये कैल्सीटोनिन, यस वेरी वेल डन. थायरोक्सिन तो है, आयोडीन भी चाहिए, हम उस पे भी आएंगे. कैल्सीटोनिन हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है. अब ये काम करेगा पैराथायरॉइड के साथ, तो इसको मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से ये कैल्शियम लेवल को कम करता है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं, आपने लिखा था आयोडीन. आयोडीन की जरूरत है, वेरी गुड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन. और अगर हमने आयोडीन अपनी डाइट में कम लिया तो कौन सी डिसीज हो जाएगी? कौन सी डिसीज हो जाएगी? गोइटर. इस पे क्वेश्चन आ जाता है, थायरोक्सिन पे क्वेश्चन आ जाता है. अब यहां पे आप देख सकते हैं ये स्वेलिंग हो रही है, यहां पे जो गोइटर में स्वेलिंग आ जाती है और वो इजिली आप देख सकते हैं. हियर द स्वेलिंग इज टेकिंग प्लेस, हियर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन गेट्स रिड्यूस्ड. गोइटर, वेरी गुड. यहां पे अब हम आ जाते हैं क्रिटिनिज्म में. कुछ बच्चों में क्रिटिनिज्म भी देखा गया है ड्यू टू द लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन, और ये जेनेटिकल भी हो सकती है क्रिटिनिज्म, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं थायरॉयड ग्लैंड में माल फंक्शनिंग हो जाएगी और थायरोक्सिन नहीं बनने की वजह से यहां पे उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगा, जो डेवलपमेंट है वो स्टंटेड रह जाएगी और वो मेंटली रिटार्डेड भी हो जाएगा. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच इंपॉर्टेंट. हां जी, नमक खाइए, टाटा नमक खाइए, कोई सा भी नमक खाइए. अब गवर्नमेंट ने आयोडाइज सॉल्ट इसीलिए देना शुरू किया है. वेरी वेल डन. आयोडाइज सॉल्ट इसीलिए यूटिलाइज हो रहा है ताकि आपके अंदर थायरोक्सिन बनती रहे. यस, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि कम फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि ज्यादा. हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आप लीन एंड थिन होते चले जाएंगे. हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन कम हुआ, मेटाबॉलिज्म की रेट कम हो गई, यू स्टार्ट स्वेलिंग अप, ठीक है. अब हम पैराथायरॉयड में आते हैं. ये थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं ये चार छोटे छोटे से लोब्स, दीज आर नोन एज पैराथायरॉयड ग्लैंड. अब यहां पे ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है पैराथॉर्मोन. पैराथॉर्मोन का काम क्या है? नाम लर्न कर लीजिए हार्मोन के, पैराथॉर्मोन. इसका काम है हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना. ये क्या करेगा? अगर कैल्शियम का लेवल कम है तो बोन से कैल्शियम लेना शुरू हो जाएगा. किडनी का जो डीसीटी पार्ट था और पीसीटी, पूरा जो रीनल टिब्यूल में रीअब्सॉर्प्शन कैल्शियम का शुरू हो जाएगा ताकि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाए. लेकिन अगर ज्यादा इंक्रीज हो गया, हमारे बोन्स में से कैल्शियम जा रहा है, सो वी कैन नॉट अफोर्ड इट, तो यहां पे आ जाएगा कैल्सीटोनिन जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है. कैल्सीटोनिन फटाफट से, जैसे ही कैल्शियम का लेवल ज्यादा हाई हुआ, कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और वो रोक देगा रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल टिब्यूल ऑफ द किडनी, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करेंगे और इसलिए हम इनको एंटागोनिस्ट भी कहते हैं. अब हम आ जाते हैं थाइमस में. थाइमस इज प्रेजेंट नियर टू द हार्ट और इसका जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो है थाइमोसिन. थाइमोसिन प्रोड्यूस होता है और इसका काम है जो हमारे अंदर डब्ल्यूबीसीज बनते हैं उनमें से एक टाइप है लिम्फोसाइट्स.
बोन मैरो से बन के वो थाइमस में चले आते हैं और थाइमस में वो जाके डिफ्रेंशिएट होके मैच्योर होते हैं और उन लिम्फोसाइट्स को हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं. सो दे प्रोवाइड इम्यूनिटी. सो हमारा थाइमस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्लेज अ रोल इन द इम्यूनिटी. यस, अब हम आ जाते हैं एड्रीनल ग्लैंड में. एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन अबव द पेयर ऑफ किडनी, यानी कि एक पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड है. इट इज अ पिरामिडल इन स्ट्रक्चर और ये सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड ये यहाँ पे किडनी के ऊपर प्रेजेंट है. अंदर आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा था बाहर का पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर का पोर्शन मेड्यूला कहलाता है. कॉर्टेक्स के अपने अलग हॉर्मोन्स हैं, मेड्यूला के अपने अलग हॉर्मोन्स हैं. अब हम यस एड्रेनलिन में आ गए हम, वेरी गुड. यहां पे मेड्यूला जो प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन. ये काम आते हैं फाइट और फ्लाइट, यानी कि इनका काम है दे आर द इमरजेंसी हॉर्मोन. इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है विच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन, तो एड्रेनलिन आंसर होगा यहां पर. फ्लाइट फ्राइट एंड फ्लाइट 3F. यस, ये हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाएगा, आप भाग सकते हैं, फाइट कर सकते हैं. वेरी गुड, 3F. यस, नॉन एड्रेनलिन भी उसके साथ साथ काम करता है. कॉर्टेक्स में जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं यहां पे कॉर्टेक्स में कॉर्टिकॉइड्स. और दो ऐसे एग्जाम्पल हैं कॉर्टिकॉइड्स के, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि ग्लूकोज के यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं. ग्लूको वर्ड हैज कम फ्रॉम ग्लूकोज और ग्लूकोज के यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में काम कर रहे हैं, तो ये एक काम एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये हमारे अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करते हैं, ये किडनी में एक्ट करते हैं और वहां से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन, आयंस के रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. तो क्योंकि ये वाटर और आयंस का बैलेंस रख रहे हैं तो इसका नाम हो गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड. ठीक है, यस. अब यहां पे नहीं नहीं, अब थोड़ा बस खत्म होने वाला है सागर, ज्यादा कुछ नहीं बचा. पेंक्रियाज और गोनाड्स, बस ज्यादा नहीं है हमारे पास. पेंक्रियाज में आपको पता है पेंक्रिया हैज टू फंक्शन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहां हम इसका एंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे. और जो एंडोक्राइन पार्ट है पेंक्रियाज का उसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. इस पोर्शन को हम एंडोक्राइन पार्ट कहते हैं. यहां पे अगर हम देखें ये है हमारा पेंक्रियाज, इसमें बाहर की तरफ जो सेल्स हैं वो एक्सोक्राइन है, वो डाइजेस्टिव जूसेस बनाएंगे और अंदर की तरफ तीन तरह के सेल होते हैं अल्फा बीटा और डेल्टा. यहां पे आप देख सकते हैं डेल्टा, यहां पे ये हो गया अल्फा और बीटा. इन तीनों के क्या काम है? इंसुलिन, यस. यहां पे अब हम आ जाते हैं अल्फा सेल्स बनाएंगे ग्लूकागॉन, यहां पे ये ग्लूकागॉन बनाते हैं और यहां पे जो बीटा सेल्स हैं वो बनाते हैं इंसुलिन. इंसुलिन का काम है जैसे ही हमने खाना खाया डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गया तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाता है पेंक्रियास से और ये इंसुलिन यहां पे ब्लड के थ्रू पहुंचता है लिवर में, ग्लूकोज भी पहुंचता है और लिवर इंसुलिन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को ले लेता है और स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में और इस तरह से हमारे जो शुगर लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है इंसुलिन से. जब शुगर लेवल हमारे ब्लड में कम हो जाता है तो फिर प्रोड्यूस होगा ग्लूकागॉन जो कि जो स्टोर्ड लीवर में ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज में चेंज कर देगा, यानी कि ग्लूकागॉन इज इंक्रीजिंग द ग्लूकोज लेवल. एंटागोनिस्ट, वन इज डिक्रीजिंग द लेवल, वन इज इंक्रीजिंग द लेवल. ठीक है, और यहां पे हम लास्ट में डेल्टा सोमैटोस्टेटिन है. ये बहुत सारे हॉर्मोन्स इंसुलिन का सिक्रेशन, ग्लूकागॉन का सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, ये इवन ग्रोथ हॉर्मोन को भी इनहिबिट करता है. सो इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन. और यहां पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंक्शन जरूर याद रखिएगा.
ठीक है. सो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया, लीफी लाइक स्ट्रक्चर जस्ट प्रेजेंट बिलो द स्टमक, राइट. अब हम आ जाते हैं बिल्कुल हमारे लास्ट टॉपिक में, जो कि है गोनाड्स. गोनाड्स मींस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर द गैमेट्स आर फॉर्म्ड, और मेल्स में होते हैं टेस्टिस और फीमेल में होती है ओवरी, जहां पे ओवा एंड द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड. लेकिन यहां पे हम इनका एंडोक्राइन पार्ट पढ़ने वाले हैं. अगर हम टेस्टिस की बात करें, हियर इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन की थैंक यू तुषार फॉर अप्रिशिएटिंग. ओके, टेस्टोस्टेरोन का काम है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपियर होती हैं आफ्टर अ प्यूबर्टी, ड्यूरिंग अ प्यूबर्टी एज, एडोलेसेंट एज, उसमें इसका रोल प्ले होता है. और टेस्टोस्टेरोन उसके अलावा स्पर्म फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है एफएसएच के साथ. तो यहां दो काम हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के अपियरेंस में. अब हम आ जाते हैं ओवरी में. ओवरी में यहां पे इट इज द मेन प्राइमरी ऑर्गन विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवा. लेकिन इसके साथ साथ तीन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन. इनका क्या काम है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बॉडी में चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंट प्यूबर्टी, आवाज का चेंज होना, चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब हो रहा है एस्ट्रोजन की वजह से. प्रोजेस्टेरोन पे आ जाते हैं. प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस लूटियम. मैंने बताया था कॉर्पस लूटियम एलएच जो मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस सो दैट द फीटस कैन गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट लाइनिंग. तो ये स्पेशली प्रेगनेंसी के वक्त ही प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द कॉर्पस लूटियम. अब ये जो कॉर्पस लूटियम है, ग्राफियन फॉलिकल है, इसको जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम वापस इन चीजों पे आएंगे. अभी हम जो रिलेट कर रहे हैं वो सिर्फ एंडोक्राइन पार्ट से रिलेट कर रहे हैं. और लास्टली जो हमारा आज का हार्मोन लास्ट है वो है रिलैक्सिन. रिलैक्सिन का रोल प्ले होगा अगेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वेयर द मसल्स ऑफ द पेल्विक रीजन इज रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. ठीक है, ऑक्सीटोसिन का था विग्रेस कॉन्ट्रैक्शन, और बाद में जब रिलैक्सिन का काम होगा इट विल रिलैक्स द मसल्स. ठीक है, सो हियर आई हैव कम टू एन एंड ऑफ माय कंट्रोल कोऑर्डिनेशन फर्स्ट पार्ट. एंडोक्राइन सिस्टम भी डन, नर्वस सिस्टम भी डन. बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लाने वाली हूं कल, लेकिन साथ में हम पढ़ेंगे प्लांट वाला भी. सो प्लांट के मूवमेंट्स भी पढ़ेंगे, प्लांट के हॉर्मोन्स भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे हमारे एनटीएससी के क्वेश्चन. ठीक है, सो यहां पे विच हॉर्मोन्स, एवरी हॉर्मोन इज नीडेड, वेदर इट इज एन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, बोथ आर नीडेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट. सो दोनों मेंटेन होके चलते हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी हियर इन दिस सेशन. पूरा एक दिन में पूरा चैप्टर नहीं हुआ, आधा चैप्टर अब कल होगा. सो रिमेनिंग सी यू अगेन एट 5 o'clock here, and I'll be finishing off the remaining parts of control and coordination with previous year NTSC question. और आप देखिएगा level कितना सही और easy होने वाला है आप लोगों के लिए. ठीक है, so SS and CS both are okay, you both, you love them both, thank you and take care of yourself. See you again tomorrow, have a nice day, right, bye.